हेलो बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तब हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की थी कि हमें चैप्टर में करने क्या वाला है। तो जो हम करेंगे, जो अब से ये जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब से जो भी पार्ट बनेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एंड तक प्लेलिस्ट में देखते रहना है, काफी आपको मदद मिलने वाली है। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमको करना क्या है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है किसी टेबल में। तो पहला जो अटेम्प्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होगा डॉबर नायर की तरफ से, ठीक है, डॉबर नायर की तरफ से। आज से करीबन 150-200 साल पहले की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो हम जो जर्नी की बात करेंगे वो जर्नी 200-250 साल पुरानी जर्नी है। जो अंत में हम पढ़ेंगे वो 200-250 साल पुराना एक पूरा का पूरा पैकेज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, अलग अलग लॉज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से जो पहला लॉ है वो है डॉबर नायर का। यही वो व्यक्ति है जिसने अपना लाइटर बनाया था, जिसे यूज करके काफी लोगों ने काफी आमदनी कमाई थी। तो काफी इंटेलिजेंट इंसान साइंस के जगत में डॉबर नायर, उनका हम रोल पढ़ेंगे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आज का जो हम उनने जो बेसिकली दिया वो हम पढ़ेंगे। लेकिन वो क्यों फेल हुआ, देखो जब भी जो कोई भी चीज फेल होती है तब हम आगे जाते हैं, तो वो किस तरह से फेल हुए वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन उन्होंने बोला क्या और किस तरह से उन्हें आगे के लॉज में काम आया वो हम यहां पर देखने वाले हैं, ओके। तो पहली चीज डॉबर नायर ट्राइड, तो पहली बात तो उन्होंने किया क्या, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे, 30 एलिमेंट्स करीबन डिस्कवर हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, सभी के एटॉमिक मास चेक किए। एटॉमिक मास समझते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस चेक किए उसने, उन्होंने अरेंज किए, जितने भी 30 के 30 एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस उन्होंने चेक किए। उनका क्या मानना था कि एटॉमिक मास एक पर्टिकुलर एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब क्या, अगर आपको क्लासिफाई करना है तो आपको एटॉमिक मास कंसिडर करना पड़ेगा, राइट, याद रखना, यह काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, उन्होंने हर एक एलिमेंट लिया और हर एक एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेक की। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ये सब प्रॉपर्टीज हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसी तरह से उन्होंने केमिकली प्रॉपर्टीज चेक किए। तो पहला काम उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर दिया, और दूसरी बात फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने चेक कर दी, राइट, हर एक एलिमेंट्स की, जितने भी 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सबकी चेक की। अब आगे क्या हुआ, एटॉमिक मास उन्होंने अरेंज कर रखे थे, उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो, छोटे से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। और ऐसे अरेंज नहीं किया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेक करके अरेंज किया। तो ये उन्होंने क्या किया वो मैंने वो लिखा है, उनका लॉ क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने क्या किया वो आप देख लीजिए यहां पर, राइट। पहले अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए चाहिए तो। पहले तो उन्होंने क्या किया मैंने यहां पर लिख रखा है, मैंने क्या कहा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेक की, ये सब मैंने बता दिया आपको। फिर उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, राइट, और कैसे बनाया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़ा। तो आप देख सकते हो यहां पर एक ग्रुप यहां पर उन्होंने बनाया, 3 का ग्रुप बनाया यहां पर उन्होंने, लिथियम 6.9, सोडियम 23, पोटेशियम 39.1, ऐसा उन्होंने ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप। और 3 का ग्रुप को हम प्यार से बोलते हैं ट्रायड। क्या बोलते हैं, ट्रायड, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। तो उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, वो 4 का भी हो सकता था, 5 का भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, राइट, अंडरस्टैंड करना अच्छे से। सो ट्राई मतलब 3, 3 का ग्रुप बनाया, वो भी ऐसा वैसा ग्रुप नहीं, ऐसा ग्रुप जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, राइट। तो यहां पर लिथियम Na, सोडियम K, पोटेशियम, तो ली ना K, ऐसे याद रखना है इसको आप। आगे हमको ट्रिक भी बताऊंगा कि एलिमेंट्स को किस तरह से याद रखना है, वो भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उन्होंने ट्रायड बनाया, मतलब ग्रुप ऑफ 3 बनाया जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, और कैसे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब देख सकते हो 6.9, फिर 23, फिर 39.1। तो इधर तक क्लियर है, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या पाया। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है।
इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला. मीन समझते हो? एवरेज. अब मार्क्स निकालते हो स्कूल में, उस हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स का मीन निकाला, एवरेज निकाला. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लिथियम है. थर्ड एलिमेंट क्या है? पोटेशियम है. उनके वजन हमने लिए. अब एवरेज निकालोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा. किससे डिवाइड करना पड़ेगा? जितने एलिमेंट्स आपने लिए हैं. तो कितने एलिमेंट लिए मैं, कितने का एवरेज ले रहा हूं मैं? फर्स्ट और थर्ड का एवरेज ले रहा हूं मैं, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं, राइट? तो उन्होंने किसका क्या निकाला? मीन निकाला, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का. तो देखिए, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 23, अप्रोक्सीमेटली आपको 23 मिलेगा यहां पर. और ये 23 आप पाओगे कि सेकंड एलिमेंट का वजन है, राइट? जब हमने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला, एवरेज निकाला, हमको सेकंड एलिमेंट का वजन मिला. तो पर मैं इसको लिख देने वाला हूं अच्छे से. क्या बोला इन्होंने? एटॉमिक मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. और उन्होंने क्या बोला? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने चेक की और इन्होंने पाया, जब मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में अरेंज करता हूं और जब मैं फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का, व्हेन यू फाइंड फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट मीन, सो मीन ऑफ फर्स्ट थर्ड एलिमेंट जब आप फाइंड आउट करते हो, वी गेट मीन ऑफ सेकेंड एलिमेंट. ये उनका लॉ था. व्हेन यू फाइंड द एटॉमिक मास, द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल लीना के लिथियम का और पोटेशियम का जब हमने मीन निकाला तो आपको सोडियम मिला. ऐसे टेक्सटबुक में अनगिनत एग्जांपल दिए हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं. आप देख सकते हो जब आप मीन निकालोगे फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा. क्लियर है? सिंपल. तो उसका लॉ था, राइट? इसको रिवाइज किए कर दिए. ये तो सिंपल तरीका याद रखना. एटॉमिक मासेस का उन्होंने मेजर लिया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा, उन्होंने ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, छोटे से बड़ा, और इन्होंने ग्रुप ऑफ थ्री बनाया जिसका नाम क्या था? ट्रायड्स. और ट्रायड में जब आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लेते हो, उनका मीन निकालते हो, तो आपको सेकंड एलिमेंट मिलता है. क्लियर है? तो आपको ये मिल गया, राइट? लेकिन भाई साहब, इनके लॉ के कुछ प्रॉब्लम थे. इनके लॉ के कुछ प्रॉब्लम थे भाई साहब, इनके लॉ के कुछ प्रॉब्लम थे. प्रॉब्लम क्या था? ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक ग्रुप लिया, एक ट्रायड लिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम. जब आप मैग्नीशियम का और स्ट्रॉन्शियम का मीन निकालते हो 24.3, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का मीन मतलब डिवाइड बाय 2, तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 55.95. लेकिन आपको मिलना क्या चाहिए? 40.1, which is not equal to 40.1. आपको फर्स्ट और थर्ड का जब मीन निकालोगे तो आपको सेकंड मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? 55.95, जो पूरी तरह से गलत है. तो डॉबरनायर फेल हो गया. काफी जो एलिमेंट्स थे उनके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, राइट? तो इस तरह से ये फ्लॉप हो गया. लेकिन बेटा, अब से जो हम पढ़ेंगे एक नई चेंज शुरू हो जाएगी. अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, सबके सब साइंटिस्ट एटॉमिक मास को लेकर के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सभी साइंटिस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेगी. फर्क सिर्फ इतना होगा, सबके लॉ अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट? तो हम सक्सेस ऑफ फेलियर की स्टोरी आगे देखते रहेंगे. लेकिन ये जो व्यक्तित्व थे, एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान, वो भी फ्लॉप हो गए क्योंकि इनका लॉ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था. तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं था. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज डॉबरनायर्स लॉ, व्हाट इज ट्रायड, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबरनायर. लिमिटेशन क्या है? सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था. एग्जाम्पल लिख देना. क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छे से अब तक समझा है तो एक क्विकली रिवाइज करता हूं मैं 20 सेकंड्स में. व्हाट डिड ही डिड, क्या किया उन्होंने? उन्होंने ट्रायड बनाए, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट. कैसे बनाए? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. और उनका लॉ क्या था? व्हेन यू फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वजन एज एटॉमिक मासेस का, यू शुड गेट सेकंड एलिमेंट, राइट? तो ये कुछ कुछ के लिए फॉलो किया, कुछ कुछ के लिए फॉलो नहीं किया, इसीलिए इनका लॉ क्या हो गया? फ्लॉप हो गया. क्लियर है? थैंक यू सो मच.